नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूजा और आप हैं कोएक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। करेंट अफेयर्स की कड़ी में आज हम मोरबी ब्रिज डिजास्टर से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं हादसे में मारे गए सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। मैं कोएक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जो भी फैक्ट्स डिस्कस करूंगी वो आपको किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पैट, सीटेट, आरओ, एआरओ एंड ऑल करेंट अफेयर्स सेक्शन में काफ़ी अहम योगदान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, क्या होता है सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज अक्सर बहाव वाले पानी के ऊपर यानी नदियों पर बनाए जाते हैं। ये ब्रिज केबल के जरिए बनाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि नदियों पर कई ब्रिज बने होते हैं जिसमें नदी के दोनों किनारे पर पिलर लगाए होते हैं और बाकी पुल केबल के जरिए टिका होता है। इस तरह के ब्रिज में पानी के अंदर कोई भी पिलर या बेस नहीं बनाया जाता है, इसे ही सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। सस्पेंशन ब्रिज में डेक, टावर, टेंशन, फाउंडेशन और केबल अहम हिस्से होते हैं। डेक वो हिस्सा होता है जो पुल पर बड़ी सड़क का आखिरी हिस्सा होता है। इसे एंड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो पहाड़ी या जमीन में घुसा होता है। डेक के आगे टावर लगा होता है जो पुल को बेस देने का काम करता है। ये दोनों किनारे पे बने होते हैं, इससे ही पुल का टेंशन दोनों किनारे पर को जोड़ता है। टेंशन वो तार होता है जो एक टावर से दूसरे टावर पर बंधा होता है। इससे ही केबल लगे होते हैं जो पुल की सड़क को टेंशन से बांधे रखते हैं। ऐसे में इन सभी से मिलकर एक पुल बनकर तैयार होता है, यानी केबल से बनने वाले ब्रिज को ही सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है और इसे ही हैंगिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के पुल 1800 के दशक में काफ़ी ज़्यादा बनाए गए थे। बता दें, चीन के रुनयांग यांगजी रिवर ब्रिज को सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ डोबरा चांटी ब्रिज सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है जो कि उत्तराखंड में बना है। अब इसके अलावा भी भारत में कई क्षेत्रों में सस्पेंशन ब्रिज हैं, तो उसको हम जानते हैं। बता दें कि भारत में कई नदियों पर सस्पेंशन ब्रिज बने होते हैं। एक नदी पर ही कई शहरों में सस्पेंशन ब्रिज बना होता है। ये ब्रिज टूरिस्ट के लिहाज से काफ़ी अहम होता है। यहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं और गुजरात वाले ब्रिज में भी काफ़ी लोग टिकट लेकर घूमने आए थे। बताया जा रहा है कि 17 रुपये टिकट कास्ट था इनका और ये जो ब्रिज थी इसकी क्षमता थी 100 लोगों की, मगर क्षमता से अधिक 400 से 500 लोगों के होने की संभावना थी। ऐसे में पुल का टूटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके पहले भी इस पुल का मेंटेनेंस भी कराया गया था। मेंटेनेंस के पहले ये 2 साल तक बंद था। 2 साल के बाद जो गुजराती नववर्ष होता है उसमें ये 26 अक्टूबर को फिर से खोला गया और प्रॉपर बताया गया कि 2 करोड़ रुपए की लागत से इसका मेंटेनेंस किया गया है, मगर इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट अभी भी नहीं मिली थी। फिर भी ये प्रशासन की लापरवाही है जिससे इतने लोगों की जाने गई थी। अब अगर संख्या की बात करें तो भारत में सैकड़ों सस्पेंशन ब्रिज हैं। भारत के फेमस सस्पेंशन ब्रिज में कोटो हैंगिंग ब्रिज, लोहित रिवर ब्रिज, लक्ष्मण झूला, राम झूला, वोलांग, दार्जिलिंग के ब्रिज शामिल हैं। तो ये सभी फैक्ट्स आपको जो मैंने आपको बताया ये सभी सस्पेंशन ब्रिज से रिलेटेड था। अब हम इसके अलावा भी माछू रिवर के बारे में डाल लेते हैं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ वो मच्छू या माछू रिवर पर हुआ था। तो माछू रिवर ये कहाँ से निकलती है ये हम जानते हैं। तो पश्चिमी घाट में मडला हिल्स यहीं से इसकी ओरिजिन होती है और ये रिवर लगभग 130 किलोमीटर की लेंथ की है और इसका रिवर बेसिन जो है 2515 किलोमीटर स्क्वायर का इसका रिवर बेसिन है। इसको माछू या मच्छू रिवर के नाम से जाना जाता है। और इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी बेटी और असोई है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जम्बूरी, बेनिया, मच्छोरी, महा, ये सारे हैं। इसके अलावा पुल के इतिहास की बात करें तो पुल का इतिहास करीब 143 साल पुराना बताया जा रहा है। 143 साल पहले सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन पहली बार 20 फरवरी
1879 यानी कि 1879 को तत्कालीन मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। इस हैंगिंग ब्रिज की लंबाई 765 फीट है। यहाँ सैलानी घूमने के लिए आते रहते हैं। इस पुल को बनाने के लिए ब्रिटेन से सामान मंगवाया गया था। ये पुल 1.25 मीटर चौड़ा और 230 मीटर लंबा है। इस पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी ओरोविया ग्रुप के पास थी। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2022 से लगाए 2037 तक के लिए इस ग्रुप ने नगरपालिका से कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये सारे जो फैक्ट्स मैंने बताए आपको, सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, माछू रिवर की ओरिजिन कहाँ है और इस पुल की क्या हिस्ट्री थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।